हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कोर्स। आज हम लोग केमैप का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें डोंट केयर का कॉन्सेप्ट होगा। हियर वी हैव फंक्शन फॉर फोर वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा नहीं है, दिस इज दी पाई। तो पाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम पी ओ एस। तो बुलियन फंक्शन जो आएगा पी ओ एस के फॉर्म में आएगा। तो जहां भी 1, 3, 7, 10, 11, 15 है तो के मैप में इस पोजीशन पे क्या आएगा, जीरो अपीयर होगा। एंड डोंट केयर कंडीशन दिया हुआ 5, 8, 9, 14, यहाँ पे एक्स अपीयर होगा। तो अब हमें करने क्या है कि हमने सेम एग्जांपल को लिया है जो हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में लिया था सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग इसके लिए के मैप को पहले डिजाइन करेंगे। सो वी आर हैविंग फोर वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, 16 सेल होंगे। सो हेयर वी हैव 16 सेल इन दिस केमैप। तो जहां भी ये एंट्री पोजिशन है उस पर हम लोग जीरो फिट करेंगे। सो 1 पे 0, 3, 7, 10, 11 and 15। एंड डोंट केयर कहाँ पे आएगा, 5, 8, 9 and 14 पे। सो डोंट केयर के लिए हम लोग एक्स यूज करेंगे, 8, 9 and 14। एंड रिमेनिंग पोजिशन पे हम लोग 1 फिट करेंगे, जस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट के ऑपोजिट। वहां पे हम लोग 0 फिट करते थे, यहां पे हम लोग 1 फिट करेंगे। सो आवर फोकस इज दैट कि हमें जितने भी 0 है उसको कंबाइन करने होंगे, उस सेल को कंबाइन करने होंगे। एंड वी नो दैट कि 2 to the power n के फॉर्मेट में हम सेल को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि 4 0 को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं या 2 0 को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि मिनिमाइज्ड और सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन चाहिए। सो जितना ज्यादा स्क्वायर को हम लोग कंबाइन करेंगे उतना बेटर होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 4 0 को कंबाइन कर सकते हैं, 3 0 प्लस डोंट केयर। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी टू कंबाइन दिस 4 स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग इसको भी कंबाइन कर सकते थे। तो यहां से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब इस स्क्वायर, मतलब जितने भी 0 थे दैट हैज बीन कवर्ड। अनदर वे ऑफ कंबाइनिंग ऑल द 0 इज दैट कि आप एक केस इसको ले सकते थे, ये 4 0 को, एंड उसके बाद इस 0 और इस 0 को कंबाइन कर सकते थे, मतलब इस 4 से लेकर के। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि 2 कवरेज में ही ऑल 0 कंप्लीट हो चुका है। सो वी विल राइट द फंक्शन फॉर दिस सर्कल, राइट। सो हियर डब्ल्यू एक्स, एक्स इज चेंजिंग, सो वी विल फोकस ऑन डब्ल्यू। सो डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 1। सो डब्ल्यू कंप्लीमेंट प्लस, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जेड चेंज हो रहा है, सो वाई की वैल्यू लिया जाएगा। सो वाई का वैल्यू 1 है, सो वाई कॉम्प्लीमेंट। एंड दिस विल बी 0 0 0 1। सो डब्ल्यू का वैल्यू 0 है, सो डब्ल्यू प्लस जेड का वैल्यू 1 है, सो जेड कॉम्प्लीमेंट। सो फाइनली वी कैन राइट द फंक्शन एफ एज डब्ल्यू प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट एंड डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द वे टू मिनिमाइज द बुलियन फंक्शन यूजिंग डोंट केयर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये था कि आप यदि इस 4 0 को कंबाइन करें तो इसका एक अलग बुलियन फंक्शन आएगा, सॉरी एक्सप्रेशन आएगा। एंड इस 4 1 0 यहाँ पे भी है, 1 0 यहाँ पे है, तो उसके लिए आप, तो ये जरूरी नहीं है कि मिनिमाइज बुलियन फंक्शन एक ही हो, एक के मैप के लिए मल्टीपल फंक्शन आ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।